झारखंड के सभी जिलों में ठंड का कहर जारी है। जमशेदपुर में भी ठंड से लोग परेशान हैं। ठंडी हवा लोगों की हाड़ कपा रही है। हालांकि धूप तो निकल रही है, लेकिन इससे कुछ खास राहत नहीं मिल रही है। जमशेदपुर के मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभात कुमार। राज्य में शीतलहरी चल रही है और शीतलहरी चलने से निश्चित है कि लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। और मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 31 जनवरी तक ये कनकनी रहेगी और हवाओं में नमी रहेगी। आप देख सकते हैं कि आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये चाय की दुकान है। यहाँ पे लोग सुबह के वक्त जिन्हें काम है वो काम से निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए चाय का मज़ा भी ले रहे हैं। देखिए, दो बुजुर्ग लोग हैं, चाय पी रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि शाम, आज और कल और भी टेम्परेचर नीचे जा सकता है। हालांकि अगर कल की बात करें तो 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा है और आने वाले दिनों में और भी टेम्परेचर नीचे जाएगा। और ये मौसम विभाग का अनुमान है कि फरवरी के महीने में 2 या 3 फरवरी को फिर हल्की फुल्की बारिश पूरे झारखंड में हो सकती है, साथ ही साथ पूरे कोल्हान में। तो ठंड का सितम जारी है। ठंड में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो डेली रोजगार करने वाले हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है। और जो डेली कमाने खाने वाले, आज से 20 वर्ष पहले भी इतना ठंड नहीं पड़ा था, इस साल इतना ठंड पड़ रहा है कि कुछ हिम्मत कह नहीं सकते, लेकिन मजबूरी में निकलना पड़ता है काम के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है। 3 दिन से 4 कपड़े पहन रखे हैं, 3 इनर है, 1 गर्म कपड़ा है, ऊपर टोपा लगा रखा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ठंड, हाथ का बिल्कुल कांप रहे हैं। ये बुजुर्ग जो बता रहे हैं कि 20 साल में इस तरीके का ठंड नहीं पड़ा है, कैसे ठंड से बचने के लिए लगा के रहे? ठंड काफी है। हाँ जी, एकदम काफी है ठंड। झारखंड में तो एकदम तापमान एकदम समझिए तो एकदम कनकनी वाला है बहुत। कैसे बच रहे हैं आप कनकनी में, क्या करते हैं आप? देखते हैं, लकड़ी उकड़ी जला के थोड़ा बहुत सुबह में लेते हैं और उसके बाद धूप में निकल कर रहना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि धूप तो खिलेगी और आपको दिख भी रहा होगा कि धूप खिली हुई है पूरी तरीके से, लेकिन कनकनी भरा ठंडा रहेगा। अभी 3-4 दिनों तक लगातार ये ठंड गिरेगा। तो ऐसे में आम लोगों से स्वास्थ्य विभाग या फिर डॉक्टर की सलाह है कि अपने आप को सेफ करें ताकि आप इस ठंड से बच सके। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, जमशेद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।